हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आई होप आप सब अच्छे हैं एनसेफ हैं आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही ब्यूटीफुल लिप एंड चिक टिंट कॉम्बो का रिव्यू एंड दैट इज फ्रॉम टैक सो दिस इज टैक द आयुर्वेदा को मिनी लिप एंड चिक टेंट्स सो दिस इज बेसिकली ऑफ कॉम्बो एंड इसमें हमको फोर सेट्स मिल जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट इट कम्स इन अ रियली वेरी प्रिटी पैकेजिंग एंड गिफ्टिंग के परपज से मुझे इसका पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा इस इट्स अ वेरी क्यूट पैकेजिंग एंड इसका बॉक्स का क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है इट्स अ वेरी लग्जूरियस काइंड ऑफ पैकेजिंग इस तरीके का मैग्नेटिक सॉ ऑफ क्लोजर है आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे लिखा हुआ लिप एंड चीक टिंट्स एंड पैकेजिंग के पीछे कुछ डिटेल्स मैंशन हुआ आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइस इज़ रुपीज़ इलेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इसमें हमको फोर लिप एंड चिक टिंट्स मिल जाते हैं प्रोडक्ट है गाइज इसके ऊपर बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको ऑन अमेजन पर्टिकुलरली मैंने इसको अमेजॉन से लिया था एंड आई विल गिव द बाइंग लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिप एंड चिक टिंट्स किसी भी ब्रांड का जो मैंने देखा है ऑनलाइन सिंगल लिप एंड चिक टिंट आपको मिल जाएगा फॉर uh, रुपीज़ सिक्स uh, हंड्रेड सेवन हंड्रेड मतलब बहुत ज़्यादा महंगा आता है गाइज एंड इसका भी अगर आप सिंगल uh, जो uh, बड़ा वाला पैकेजिंग लोगे तो आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा पर मुझे ये जो मिनी गाइस ये जो मिनी का कॉम्बो बहुत ज्यादा किफायती लगा बहुत ज्यादा अफोर्डेबल लगा इसमें हमको टू इयर्स ऑफ सेल्फ लाइफ मिल जाता है तो इसमें जो ईच टॉप का जो क्वांटिटी है दैट इज फाइव ग्राम्स विच इज अ गुड क्वांटिटी जो मुझे लगता है गाइस एंड देयर इज नो हार्मफुल केमिकल्स इन दिस प्रोडक्ट दिस इज हंड्रेड परसेंट वेजिटेरियन विथ नेचुरल इन्ग्रीडियंट दिस इज नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन आयुर्वेदा सो दैट इज अ गुड थिंग जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा इस प्रोडक्ट में एंड इसका और एक्सेट भी आता है गाइस जिसमें जिसमें कि आपको मिलेगा सारे ही डार्क एंड ब्राइट कलर्स जैसे कि रेड ऑरेंज पीच पिंक उस तरीके का भी एक सेट मिल जाता है सो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस आप चूज कर सकते हैं मैंने इसको चूज किया है क्योंकि इसमें जो फोर सेट्स हैं इसमें कुछ न्यूड्स हैं एंड कुछ डार्क शेड्स भी हैं तो so मैं ये वाला ब्रश ही यूज करूंगी एंड दिस दिस सेट आई अप्लाई ऑन माई चिक्स ये जो सेट है गए फाइव हॉट पिंक पाई एंड ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है गाइस अगर आप चाहें तो आप इसको फिंगर की मदद से बहुत इजीली ब्लेंड कर सकते हैं मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ज्यादा पसंद आता है एंड ब्रश से आई डोंट थिंक गाइस मतलब ये मूव होने का चांस थोड़ा है क्योंकि दिस इज अ क्रीमी प्रोडक्ट इस, इस वजह से आप इसको बहुत ईजिली ऐसे फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं मैं ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से भी इसको थोड़ा ब्लेंड कर लूंगी ज आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो गया एंड जो मैं देख सकती हूँ उनज़ मेरा फाउंडेशन मूव नहीं हुआ है अपनी जगह से फाउंडेशन इज़ इंटैक्ट एंड बहुत ही अच्छा एक नेचुरल काइंड ऑफ लुक दे रहा है बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया बहुत ही कम टाइम में सोट इज कमिंग टू माई आईज आई एम गोइंग टू यूज दिस सेड दैट इज मुक्का ब्राउन सेभन तो ये एक बहुत ही अच्छा सा ब्राउन सेड है आप देख सकते हैं इसका स्मेल जो है दैट इज लाइक चॉकलेट बहुत ही अच्छा इसका स्मेल है आप देख सकते हैं मैंने ब्रश की मदद से थोड़ा इसको पिक करने की कोशिश की है सो देखते हैं कैसे अप्लाई होता है सो एक मेजर प्रॉब्लम मुझे लग रहा है दैट इज ब्रश के मदद से मेरा जो फाउंडेशन है वो मूव हो रहा है ट्राई टू ब्लेंड दिस यूजिंग माई फिंगर ओनली एंड मैं ये वाला फिंगर को यूज कर रही हूँ आप देख सकते हैं एंड बहुत अच्छे से पिक हो रहा है यूजिंग माई फिंगर सो लेट्स सी मेरा जो कौंसिलर है इसने टोटली totally मेरे कंसिलर को अपने जगह से हटा दिया है आई कैन नॉट सी एनी कंसिलर इन दैट प्लेस का इज मतलब टोटली totally मेरा कंसिलर भी हट गया है फ्रॉम दैट प्लेस सो डेफिनेटली आई विल नॉट रिकमेंड यू टू यूज दिस ऑन योर कौंसिलर अगर आप सिर्फ आई के ऊपर मतलब विदाउट एनी बेस प्रोडक्ट अगर आप इसको अप्लाई करते हो एज अ आई सैडो यू कैन यूज़ दिस एज अ आई सैडो बट अगर आप कॉन्सिलर के ऊपर इसको ब्लेंड करोगे देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू क्रीज एंड आपका कॉन्सिलर अपनी जगह से हट जाएगा एंड इट टू लुक वेरी वेरी बैड पैथेटिक गोतराब लग रहा है अभी सो कमिंग टू माई लिप्स का एस पहले मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगी अ सेड नंबर फाइव दट इज हॉट पिंक आप देख सकते हैं लिप्स के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है एक्चुअली पर अगर मैं पिगमेंटेशन की बात करूँ पिगमेंटेशन इतना हाई नहीं है आ, जो मैं देख सकती हूँ मेरे लिप्स का पिगमेंटेशन अभी भी दिख रहा है गाइज आप देख सकते हैं अभी भी मेरा लिप्स का जो डार्कनेस है वो तो विजिबल है सो अगर आपका बहुत ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड लिप्स हैं डेफिनेटली आपका लिप्स का पिगमेंटेशन ये हाइड नहीं करेगा इवन क्रीमी मैट भी नहीं है गाइज़ मुझे ये ग्लॉस के जैसा ही दिखता है इट्स वेरी हाईली ग्लॉसी इट्स गोइंग टू गिव अ वेरी ब्यूटिफुल टिंट टू लिप्स एंड बहुत ही अच्छा लगेगा सो पर्टिकुलरली टीन एजर्स एंड जिनको नेचुरल मेकअप लुक्स अच्छा लगता है नो मेकअप मेकअप लुक्स अच्छा लगता है उनके लिए पर्टिकुलरली ये वाला सेड का एज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है आई लव दिस सेड सो मच सो so, अभी मैं अप्लाई करूंगी द सेकेंड जामुनी कलर में बोल सकती हूँ ग्रेप का कलर भी इस तरीके का होता है एंड इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग गाइस मतलब डार्क स्किन टोन्स के ऊपर ये वाला शेड बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है गाइस इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल शेड सो गाइस इसको रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे लिप्स बहुत ही थोड़ा सा स्टेन हुआ है सो डेफिनेटली जो डार्कर शेड्स हैं ये थोड़ा स्टेन करते हैं एंड दिस वन हैज आल्सो स्टेन माय लिप्स अ लिटिल बिट सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस शेड सो दिस इज द शेड मोका ब्राउन सेवन, एंड दिस इज अ वेरी प्रिटी ब्राउन शेड दिस शेड इज सो ब्यूटीफुल गाइस आप देख सकते हैं ये जो कलर है दिस इज अ वेरी प्रीटी ब्राउन शेड विद रेड विद रेड अंडरटोन्स सो लास्टली आई हैव दिस सेड एट ऑर्बन ब्लस एंड ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉप सेड है तो ये सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट सेड है अमंग ऑल दिज फोर सेड्स इट लुक्स से ब्यूटीफुल गाइज बहुत ही नेचुरल लगता है एंड यू कैन सी द ग्लॉसीनेस ये एक ग्लॉस जैसा शाइन दे रहा है गाइस इट इज लुकिंग सो सो ब्यूटिफुल एंड इट सो कम्फर्टेबल द नेचुरल ग्लो ऑन मैं चिक्स का एस मतलब हाईलाइटर की भी ज़रूरत नहीं है बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल ग्लो ये देते हैं चिक्स के ऊपर अगर मैं लास्टिंग पावर की बात करूँ ये लिप्स के ऊपर वन टू टू आवर्स ही लास्ट करने वाला है, एक उससे ज़्यादा नहीं है अगर आप कुछ भी खाते हुए हो, पीते हैं डेफिनेटली टोटली गोइंग टू फेड अवे फ्रॉम योर लिप्स एंड आपको री अप्लाई करना पड़ सकता है तरीके का जो क्रीमी प्रोडक्ट्स होते हैं पर्टिकुलरली इन विंटर्स दे रियली वर्क वेल ऑन ड्राई स्किन एंड विंटर्स में सभी सभी स्किन टाइप के ऊपर भी अच्छे से काम करते हैं सो so डेफिनेटली आप अभी इनको ट्राई आउट कर सकते हैं आई जस्ट लव दिस कॉम्बो गाइस एंड मैं आपको इसको रिकमेंड करती हूँ सो गाइज आई होप दिस वीडियो इज डेली हेल्पफुल अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें टू तो एंजॉय मोर सच वीडियो इस वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिए जिएयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टा हैंडल है ग्लैम लोक। अगर आपका कुछ भी आ, मतलब वीडियो सजेशन है आप जरूर कमेंट डाउन कर सकते हैं आई डेफिनेटली ट्राई टू वॉक ऑन दैट सो वन सेकंड आई बी बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो फॉर यू ऑल चिल्ड्रेन बाई